असलकुम माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अना द यूनिट ऑफ जोलॉजी दैट इज जेनेटिक्स बच्चों जो मेजर पार्ट होता है जेनेटिक्स का वो आपने बाटनी में पढ़ा था बेटा और टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ जेनेटिक्स जो सिलेबस में है और वो जोलॉजी के सिलेबस में है बेटा चार टॉपिक्स है एक टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन दूसरा टॉपिक है बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और बेटा तीसरा टॉपिक जो है ट इज एच जी पी एच जी पी का मतलब है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लास्ट वाला टॉपिक जो है दैट इज डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग ये चार टॉपिक्स है जो जोलॉजी के जेनेटिक्स वाले सिलेबस में है तो बेटा ये चार टास्क बहुत आसान है और बहुत सिंपल है थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है तो सबसे पहले हम पहले वाले टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन अगर याद होगा आप लोगों को रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि मेल एक इंपॉर्टेंट रोल करता है इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी मतलब सेक्स डिटरमिनेशन की डेफिनेशन जो है दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल एस्टैब्लिशमेंट लिखो बच्चों एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल और फिमेल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल गेम इच्स यानी इंडिविजुअल विकस से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल इंडिजुअल्स मेल को बनाना या फीमेल को बनाना उसको हम बोलते हैं बेटा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल इंडिजुअल्स उसी को हम कहते हैं फीमेल गुनाइस और वी कैन से दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेल और फीमेल गुनाइस इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन इसके लिए कुछ मैकेज है यानी ये एक ही तरीके से जैसे आप लोगों ने आज तक सीखा होगा सुना होगा अगर किसी का क्रोमोसोम्स आते हैं एक्स -एक्स, तो हम बोलते हैं ये है फीमेल अगर किसी को आता है एक्स वाई हम बोलते हैं ये है मेल मगर इट इज नॉट ओनली दिस क्रोमोजोम इन एवरी इंडिविजुअल इन एवरी मेनी मैकेजम च आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अगर हम देखेंगे बेटा हम यहां वो हमारा टॉपिक बनता है मैकेनिज्म कौन कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स फॉलोइंग मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल नंबर वन नंबर वन जेनेटिक कंट्रोल ऑफ जेनेटिक यही है आपके सिलेबस में बेटा जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली जैसे अभी मैंने बोला वेन एवर इट इज एक्स एंड एक्स इट फीमेल वेन एवर इट इज एक्स एंड वाई इट्स मेल तो दूसरा जो है बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमाइन जेनेटिकली नहीं हो जाता है बल्कि एनवरामेंट कंट्रोल करता है सेक्स को यानी एनवेंटल एनविरोनमेंटल एनवरॉनमेंटल रोल या वी कैन से दैट एनवेंटल डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स एनवेंट का एक रोल बनता है in determination of sex take environmental role of sex determination and the environmental role of sex is determination number third not only environment it is hormonal control of hormonal control of sex determination hormonal control of sex determination a determination of sex number last is मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बेटा आपके सिलेबस में न ये है न ये है और न ये है आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको हम आज बेटा डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है बेटा वो तो पहला हम पढ़ेंगे जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लिखो बच्चों जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटर जेनेटिकली दुनिया में मैक्सिमम इंडिविजुअल जो है मैक्सिमम उनका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है जेनेटिकली मगर इसमें कुछ अपने टाइप्स होता है यानी इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स नंबर वन कौन जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो होता है उसमें बेटा याद रखना बच्चों मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को दुनिया में सेक्स अगर डिटरमाइन होता है वो जेनेटिकली हो जाता है। और इसके कुछ अपने टाइप्स होते हैं उनमें से पहला नंबर वन दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोमल क्रोमो जोमल कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोजोमल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा बच्चों दूसरा है बेटा दूसरा पलो डिप्लॉयडी मैकेजम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आपके सिलेबस में है बेटा आपके टेक्सट बुक ने लिखा हैपलो डिप्लॉयडी डिप्लॉयडी हैपलो डिप्लोयडी मैकानिज्म मैकेजम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लो डिप्लॉयडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नंबर थर्ड जीनिक बैलेंस जीनिक जीनिक सॉरी जीनिक बैलेंस जीनिक बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और चौथा है बेटा सिंगल जीन इफेक्ट सिंगल जीन इफेक्ट सिंगल जीन इफेक्ट यानी ये चार जो मैंने यहां दिखाए बेटा ये है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन आपके टेक्स्ट आपके सिलेबस ने इसकी बात की है और इसकी बात की है बेटा इन दो को हम आज डिस्कस करेंगे गो तो पहला कौन बनता है बेटा हमारे लिए क्रोमोसोमल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोमल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन लिखो बच्चों क्रोमोसोमल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन नो you दैट know एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दूंगा बेटा क्रोमोजोमल कंट्रोल में एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा क्रोमोजोमल कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर मैं बोलूंगा बेटा सिंपल एक एग्जाम्पल है हमारे पास मेरे पास कितने क्रोमोसोम्स है आप कहेंगे सर फोर्टी सिक्स इसमें से 44 हम अलग करते हैं और प्लस लिखते हैं मेल के लिए एक्स वाई अगर एक फीमेल होगी तो हम लिखते हैं 44 प्लस एक्स एक्स बच्चों जो ये वाले क्रोमोजोम होते हैं ये वाले क्रोमोजोम जो होते हैं इनका नाम पड़ता है आटोसोम्स आटोसोम्स ठीक ये वाले इनको ऑटोसोम कहते हैं लेकिन ये वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका नाम पड़ता है सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोजोम्स का मतलब है ये वो ऐसे क्रोमोसोम्स है जो डिटरमाइन करेंगे सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ऑटोसोम्स मेल और फीमेल के लिए कॉमन है क्लियर अब बात ये रहती है कि वो इसका मतलब मेरे पास यही आया क्रोमोजोम जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स और इनका दूसरा नाम है बॉडी क्रोमोसोम्स। बॉडी क्रोमोसोम्स। जो दूसरा है बेटा उनका नाम पड़ता है सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स और इनका दूसरा नाम है क्रोमोसोम्स। एडिय और इनका तीसरा नाम पड़ता है एलोसोम्स एलोसोम्स ठीक है ना बच्चों इनका तीसरा नाम जो पड़ता है वो पड़ता है बेटा क्या एलोसोम्स तो मैंने लिखा यहां इडियोक्रोमोजोम्स एलोसोम्स और वी कैन से सेक्स क्रोमोजोम्स इनका कोई रोल नहीं है इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अगर रोल बनता है वो बनता है इन क्रोमोसोम्स का यानी सेक्स क्रोमोजोम क्रोमोसोम्स और जिनका नाम है एलोसोम्स ठीक अब यहां देखिए बेटा अगर मेरे पास एक कंडीशन है मैं यहां लिखूंगा बच्चों मैं लिखूंगा बेटा जहां मेल है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मेल ह्यूमन मेल है और यहां मैं लिखूंगा बेटा दो मिनट के लिए फीमेल क्या बच्चों कौन से सेक्स क्रोमोजोम मेल के पास है एक का नाम है एक्स दूसरे का नाम है वाई यहां है फीमेल इसका नाम है एक्स एंड एक्स तो यहां अगर हम बोलेंगे यहां दो क्रोमोजोम एक एक्स है दूसरा वाई है क्या बच्चों ये सेम होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे वो मैं बोलूंगा मेल जो यहां है इसको हम बोलते हैं हिटीरो मारफिको गो इन ह्यूम males are heteromorphic as they possess different kinds of sex chromosomes one is X and other one is y whereas in case of females one is x another is also x i will call them homomorphic homomorphic okay kya homomorphic inko ra, heteromorphic बेटा जब ये बनाएंगे गैमिट्स कॉमन सेंस इनको एक साइड चला जाएगा एक्स दूसरे साइड चला जाएगा वाई वो तो इनके गैमिट्स होंगे सेम या डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो हम बोलेंगे दे आर हिटीरो गैमिटिक हिटीरो ठीक है ना बच्चों दे आर हिटीरो अगर यहां देखेंगे यहां देगा एक्स और देगा एक्स गैमिट बनाने के टाइम पे तो आई विल कॉल दे आर होमोगिट होमोगैमिटिक होमोगिटिक क्लियर है ना बच्चों ओके गो मेल्स आर होमोमार्फिक, हिटेरोमार्फिक एंड फीमेल्स आर होमोमार्फिक ह्यूमन फीमेल्स वाइल वायल्स दे आर ऑल्सो ए मेल्स आर ऑल्सो हिटीरोगैमेटिक फीमेल्स आर ऑल्सो होमोगेमीटिक स्पर्म जो होते हैं कॉमन सेंस ये स्पर्म होगा ये भी स्पर्म होगा आर यू गेटिंग मी क्योंकि मेल से आए गैमिट जिन स्पर्म्स को वाई क्रोमोजोम होगा अपने साथ स्पर्म्स विद वाई क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड एंड्रोस्पर्म्स एंड्रोस्पर्म्स याद रखना बच्चों ये पॉइंट लिखना एंड्रोस्पर्म्स जो स्पर्म्स के साथ जिन स्पर्म्स के साथ होगा वाई क्रोमोजोम उनको हम बोलेंगे एंड्रोस्पर्म्स क्लियर? जो स्पर्म्स जिनके पास होंगे एक्स क्रोमोजोम्स, तो उनको हम बोलेंगे Gynosperms. उनको हम बोलते हैं बच्चों गाइनोस्पर्म्स स्पर्म्स विद एक्स आर कॉल्ड एक्सक्रोमोजोमोपर्म्स वायलस स्पर्म्स विद वाई क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड एस एंड्रोस क्लियर ओके बच्चों जाइए आगे अगर हम बेटा यहां देखेंगे क्या एक्स बॉडी एक्स बॉडी एक्स एक्सक्रोमोजोम अगर हम बोलेंगे सबसे पहले एक्स बॉडी को यानी एक्सक्रोमोजोम को देखा था किंग ने किंग आपके टेक्स्ट ने लिखा है हैन किंग डिस्कवर्ड द एक्स बॉडी किंग डिस्कवर्ड द एक्स बॉडी किस में देखा इन इन फिफ्टी 50 परसेंट इन फिफ्टी ऑफ फायर फ्लाई इन फिफ्टी पर्सेंट ऑफ फायर परसेंट स्पर्म कामन सेंस अगर इस मेल पल तुच्न पंह पर्सेंट सपर्म वाई क्रमजोम पंह पर्सेंट सपर्म

-E लिख के रखो बच्चो वाई बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाई सिटीवन ठीक है ना बेटा एक और साइंस आया जिसका नाम है मैकलंग मैकलंग एम सी सी एल यू एन जी मैकलंग इसने क्या बोला ऑब्जर्वड क्या ऑब्जर्व फीमेल ग्रास हुपर फीमेल ग्रास हुपर पजेस ट्वेंटी फीमेल ग्रास सुपर पजेस ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम और मेल ग्रास सुपर में होते हैं ट्वेंटी थ्री ये फीमेल में होते हैं बेटा फीमेल में होते हैं ट्वेंटी फोर और मेल में होते हैं ऑनली ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम फीमेल ग्रास सुपर पजेस ट्वेंटी फोर क्रोमोजोमेल पोजेस ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम क्लियर ओके बच्चो जो हमारे पास अब क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन है अब हमने देखा है जो क्रोमोजोम की बात है दो क्रोमोजोम होते हैं एक का नाम है एक्स क्रोमोजोम दूसरे का नाम है वाई क्रोमोजोम फीमेल में होता है एक्स एक्स मेल में होता है एक्स वाई ह्यूम में जो ये सेक्स क्रोमोजोम यानी जो क्रोमोजोम डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है ना इसके भी कुछ अपने टाइप्स होते हैं मिसाल कुछ इंडिविजुअल्स के पास होती है कंडीशन वो से आप लिखिए बेटा क्या सेक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम क्रो सेक्स क्रोमोजोम डिटर्मिनेशन इज अ फॉलोइंग टाइप्स नंबर वन एक को हम बोलेंगे एक्स 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 वाई ये एक कंडीशन है दूसरे को हम बोलेंगे एक्स 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 जीरो तीसरी एक कंडीशन है जड डब्ल्यू जड़ जड़ ठीक चौथी एक कंडीशन है ये कंडीशन से सेक्स की जनरली हम सेक्स क्रोमोजोम को लिखते हैं एक्स एंड वाई से यहां जड क्यों लिखा आगे आप सीखेंगे बेटा क्लियर बस इनको हमें डिस्कस करना है ये किन में पाई जाती है ये किन में पाई जाती है ये वाली कंडीशन किन में है और ये वाली कंडीशन किन में है? गो वी कैन से दैट क्रोमोजोम सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स नंबर वन इज एक्स 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 वाई नंबर सेकेंड इज एक्स 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 जीरो नंबर थर्ड इज एक्स एक्स सॉरी जड डब्ल्यू जड जड एंड नंबर फोर्थ इज जडीरोड जड हम पहले बात करेंगे इस वाली कंडीशन की ये जो कंडीशन है बहुत आसान है सिंपल है दिस कंडीशन इज फाउंड ये वाली कंडीशन देखी जाती है in mammals. Mammals. इन मैमल्स मैमल्स और इनमें हम भी आएंगे यानी ह्यूमंस ह्यूमंस भी आएंगे इंक्लूडिंग ह्यूमंस और ये कंडीशन पाई जाती है ड्रासोफिला में ड्रासोफिला फाउंड इन ड्रसोफिला एंड मैमल्स इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ह्यूमंस ह्यूमंस सुनिए बेटा जब हम एक्स और वाई क्रोमोज़ोम को देखते हैं ना एक्स क्रोमोजोम थोड़ा बड़ा होता है ऐसे और वाई क्रोमोजोम उससे छोटा होता है ऐसे मानो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई गो अगर हम देखेंगे इसमें कोई एक रीजन है मैं ये करूंगा ये ऐसे शेड करूंगा बेटा और यही रीजन यहां पे भी होता है जो सिमिलर रिजन होते हैं जो एक्स वाई पे भी होते हैं एक्स पे भी होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलागस रिजन होमोलागस रीजन क्या बोलेंगे होमोलागस रिजेंस वो होमोलागस रीजन जो होता है प्रेजेंट इन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे रिजन्स होते हैं मानो ये मैं बनाऊंगा ये ये थोड़ा खुरदुरा यही रीजन फॉर एग्जाम्पल ये, ही example, ये है ही नहीं ये यहां पे है यहां पे नहीं है या यहां पे ऐसा कोई रीजन है यहां पे नहीं है और जो दोनों में नहीं होते हैं इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रिजन्स डिफरेंशियल डिफरेंशियल रिजन गस रिजन एंड अनदर इज कॉल्ड एज डिशियल रिजन होमोलागस रिजन इज फाउंडर काम काइंड ऑफ जीन इज फाउंडर और डिसिमिलर अलील समझाऊंगा जैसे आपने जेनेटिक्स में समझाया होगा ये यहां में बोलूंगा फॉर एग्जाम्पल या मैं लिखूंगा कैपिटल टी कैपिटल टी वो ये हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये भी जीनस हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो दे आर प्रेजेंट ऑन विच रीजन होमोलागस रीजन मगर इस वक्त दोनों क्या है डोमिनेंट वो दे आर विद सिमिलर दे आर ऑफ सेम काइंड और मैं ऐसे बनाऊंगा वन इज डोमिनेट अनदर इज रिसेसिव वो जीन है एक ही जीन है विद डिसिमिलर एलील्स एलील्स डिफरेंट एक टॉल है टॉल के लिए एक किसके लिए है बेटा एक रिसेसिव के लिए है ठीक है ना बच्चोंगस द जीन्स विद सेम का सेर अलील्स विद सिमिलर और डिसिमिलर अलील्स वो क्या ये दोनों पे पाए जाते हैं यस सर सच जीन्स आर कॉल्ड एक्स वाई लिंक्ड जीन्स एक्स वाई लिंकड जीन्स इन जीन्स को हम बोलते हैं जो दोनों पे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं बच्चों एक्स वाई लिंक जीन्स।, जीन्स एक एग्जाम्पल एक है दैट इज कॉल्ड एज जीरो पिगमेंटोसम ये याद रखना एग्जाम्पल एक्स वाई लिंकड एक्स वाई लिंकड जीरो एक्सआर जीरो डरमा पिगमेंटोसम पिगमेंटोसम तो जीरो डरमा पिगमेंटोसम तो जीरो डरमा पिगमेंटोसम तो क्लियर है दिस इज एक्स वाई लिंकड दिस इज एक्स वाई लिंकड इनहेरिटेड ये वाले जीन्स इनहेरिट हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू तो ऑफ स्प्रिंग्स लाइक दैट ऑफ ऑटोसोम्स जैसे ऑटोसोम्स के जीन्स होते हैं उसी तरीके से जैसे वो ट्रांसमिट हो जाता है सिमिलरली ये वाले जीन्स भी ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ सुप्रीक्स क्लियर है बच्चों अब और एक बात जो डिफरेंशियल रीजन है दिस रीजन दीज रीजंस आर स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब ये क्यों फॉर एग्जांपल ये क्यों गुड दीज रीजंस आर कौन से रीजंस डिफरेंशियल रीजंस दीज रीजंस आर वेरी वेरी स्पेसिफिक तो स, जो जीन्स अब फॉर एग्जाम्पल खाली वाइक्रोमोजोम पे है आई विल कॉल दम एज वाई व्हाट आई विल कॉल दम एज द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंशियल रीजन ऑफ वाइक्रोमोजोम लिखो बच्चो आपके टेक्स्ट ने किया है, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंशियल डिफरेंशियल रिजन ऑफ वाइक्रोमोजोम आर कॉल्ड वाई लिंकड जीन्स आर कॉल्ड वाई लिंकड जीन्स। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों वाई लिंकड जीन्स और दे आर ऑल्सो कॉल एज हालो एंड्रिक सॉरी हालो एंड्रिक जींस दे आर कॉल एज हालो एंड्रिक जीन्स। दे आर कॉल एज हालो एंड्रिक जीन्स। यह ना एक्स वाई गो फादर वो यम जीन्स ग ट्रांसमिट फ्रॉम फादर टू दन डॉटर जो होगी उसमें वाई तो आता ही नहीं है वो डॉटर को ये इनहेरिट नहीं हो जाता है सच जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फादर फादर टू सन क्लियर बच्चों फादर टू व्हाट दैट इज इनहेरिट फ्रॉम फादर टू सन क्लियर बच्चों अब मैं सिखाऊंगा जो यहां मेल होता है क्या बच्चों होमोमार्फिक होगा ह्यूमन मेंमोमार्फिक होमोमार्फिक क्लियर है ना बच्चों तो मैं लिखूंगा कंडीशन है ना ये एक्स 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 है वाई क्लियर क्या बच्चों ये फीमेल है कि मेल है ये फीमेल है बच्चों मुझे बोलो ये क्या है ये मेल है बच्चों मुझे बोलो ये होमोमार्फिक है कि हिटीरोमार्फिक होमोमार्फिक होमो में लिखूंगा बच्चों ये क्या है ये है ना कॉमन सेंसो ऑटोसोम फोर्टी फोर है ना वो होंगे ट्वेंटी टू पियर्स यहां भी होगा ए ए प्लस एक्स वाई जब ये गैमेट बनाएगी ये क्या बनाएगी ए प्लस एक्स और बनाएगी ए प्लस एक्स ये क्या बनाएगा बेटा ये बनाएगा ए प्लस एक्स ए प्लस वाई ये इसके गैमिट्स होंगे जब इनकी शादी होती है यानी मिसाल के तौर तो पर जब ये यूनाइट हो जाता है जब ये यूनाइट हो जाता है मैं एक टेबल बनाऊंगा सिंपल यहां सिंपल टेबल बनाऊंगा बेटा यहां ऐसे ऐसे बनाऊंगा प्लट्स तो कह रहा तो यहां क्या होगा फीमेल का A X, A X, यहां बनाऊंगा मेल का ए प्लस वाई ए प्लस एक्स है ना बच्चों जब ये जो मिलेंगे ये बनाएगा ए ए प्लस एक्स वाई ये होगा मेल कॉमन सेंस ठीक ये बनाएगा ए ए प्लस एक्स एक्स ये होगी फीमेल क्लियर है ना बच्चों ये क्या बनाएगा ए ए प्लस एक्स वाई ये होगा मेल क्लियर है ना बच्चों ये क्या बनाएगा ए ए प्लस एक्स एक्स ये होगी फीमेल इसका मतलब क्या है ह्यूमंस में फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मेल के चांसेस रहते हैं और फिफ्टी परसेंट फीमेल बनने के चांसेस रहते हैं फिफ्टी फिफ्टी तो रेशो क्या आएगा one is to one. ठीक है ना बच्चों मगर डिटरमाइन सेक्स कौन करता है ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स अगर मेल का आएगा ए प्लस वाई तो मेल बन जाएगा अगर मेल का आएगा ए प्लस एक्स तो फीमेल बन जाएगा वो सेक्स इन केस ऑफ दिस कंडीशन सेक्स इज डिटरमाइनड बाय मेल्स नॉट बाय फीमेल्स तेल क्या मारान पानी जमान को दस तुस खत खान मगर यह तिन पत् अगर खत ग खत व अगर खतनी तेलो खार मेलस मगर खाराना फीमेल और उनको क्या किया जाता था कतल किया जाता था क्योंकि नॉलेज नहीं थी अलिट्रेसी थी अब आप लोगों ने सीखा बच्चों तो फिफ्टी फिफ्टी चांसेस रहते हैं बच्चे बनने के कोई मेल कोई फीमेल तो इसमें रेशियो आता है वन एस टू वन वो दिस कंडीशन जो है एक्स 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 वाई ये पाई जाते हैं ड्रसोफिला कंडीशन अब है बच्चों दूसरी कंडीशन बच्चो? दूसरी कंडीशन है एक्स 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 जीरो ये है फीमेल है ना दूसरी कंडीशन यह है फीमेल नो डाउट यह है मेल कॉमन सेंस बच्चों ये कंडीशन किनमें पाई जाती है दिस कंडीशन इज फाउंड इन केस ऑफ यानी दिस एक्स एक्स शाबाश कौन सी कंडीशन एक्स 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 जीरो एक्स एक्स दे आर फीमेल्स एक्स जीरो दे आर मेल्स ठीक है ना बच्चों दिस कंडीशन इज फाउंड इन राउंड वर्म्स एंड इंसेक्ट्स राउंड वर्म्स राउंड वर्म्स एंड सम इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट्स मिसाल इंसेक्ट्स में आता है कॉकरोच आता है बेटा कामा कामा ग्रास ऊपर आता है ट्रू बग्स आता है इंसेक्ट्स में काक्रोच आता है काक्रोच आता है ट्रू बग्स आता है साड़ वगैरह ये आता है इसमें ग्रास ऊपर भी इसी में आता है फीमेल जो होता है आर दे रही आर मार्फिक होमोमार्फिक मेल्स क्या है क्यों क्योंकि कियुं? इनको एक साइड से एक क्रोमोजोम ज्यादा आएगा दूसरे साइड से जीरो है दूसरे साइड से कुछ नहीं आएगा वो जब ये बनाएगी गैमिट ये बनाएगी ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स

ए प्लस जीरो ए प्लस एक्स ए प्लस एक्स ये बना सकते हैं आप यहां भी रैशो आएगा वन इज टू वन और या वी कैन सी दैट फिफ्टी परसेंट मेल्स होंगे फिफ्टी परसेंट फीमेल्स होंगे और गेटिंग मी? यहां भी डिटरमाइन करेगा सेक्स कौन दैट इज मेल मेल डिटरमाइन करता है सेक्स क्लियर ये थी दूसरी कंडीशन अब है बेटा तीसरी कंडीशन अब है बेटा कौन सी कंडीशन तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन क्या है जड Z, डब्ल्यू Z, Z ये है यहां ये ये है फीमेल फीमेल यहां है कॉमन सेंस और यह है यहां मेल मेल्स आर होमोमार्फिक ये वाली कंडीशन देखी जाती है यानी जड डब्ल्यू जड जड इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स दिस कंडीशन इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड दिस कंडीशन इज फाउंड इन बर्ड्स तो जब ये बनाएगी गैमिट, क्या बनाएगी ए प्लस Z, ए प्लस डब्ल्यू ए है ऑटोसोम। और ये क्या बनाएगी गैमिट A प्लस जेड ए प्लस जेड क्लियर है ना बच्चों और आपको ये स्क्वायर बनाना आएगा बेटा लाइक like दिस और खुद यहां भी होगा रेशो वन इज टू वन यहां डिटरमाइन मगर सेक्स कौन करेगा ये करेगा डिटरमाइन सेक्स जो भी हिटीरोमॉर्फिक होता है दैट इज सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फीमेल्स सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा बेटा सेक्स इज डिटरमाइंड बाय फीमेल्स लास्ट वाली कंडीशन जो है ये थर्ड थी बेटा लास्ट वाली कंडीशन है ZW डब्ल्यू देखो बच्चों Z से क्यों दिखाया क्वेश्चन है इसीलिए दिखाया क्योंकि अगर मैं दिखाता XX एक्स एक्स आपको ये यहां मेल है कि फीमेल है ये एक्स एक्स यहां ये अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल Z के बजाय एक्स डब्ल्यू के बजाय वाई ये क्या बनेगा मेल मगर है क्या ये फीमेल आपको कंफ्यूजन होगा जब मैं ये लिखूंगा यहां एक्स वाई तो आप बोलेंगे सर ये मेल है मगर है क्या फीमेल इसीलिए जड़ से दिखाना पड़ा मुझे ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन तो ये क्या होगी यहां ये फीमेल है ये मेल है क्लियर है मेल क्या है होमोमार्क फीमेल है, है। वहां हमें हम में ह्यूमंस में अपोजिट है इसीलिए से रिप्रेजेंट करना पड़ा अब फोर्थ वाली कंडीशन है जड डब्ल्यू जड जीरो दिस कंडीशन इज फाउंड इन याद रखना बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स दिस कंडीशन इज फाउंड इन बटरफ्लाइज एंड वट मॉथ्स कौन सी कंडीशन बेटा बटर जड डब्ल्यू जड जीरो इस वाली कंडीशन में सेम यह क्या होगी यह होगी फीमेल और यह क्या होगा यह होगा मेल मेल्स होमोमार्फिक है कि हिटीरोमार्फिक हिटीरोमार्फिक मेल है मेल है बेटा ये है यहाँ बेटा दैट इज वी कैन सी डेट जेड डब्ल्यू ये है फीमेल और ये क्या है यहाँ ये है मेल जेड जीरो सॉरी सॉरी मैंने गलत लिखा यहाँ सॉरी बेटा जेड जेड ये यहाँ लिखूंगा मैं ऐसे जेड जीरो जेड जेड डब्ल्यू नहीं ये क्या होगी यहाँ ये होता है बेटा कॉमन सेंस ये है ना सेम दिस कंडीशन इज फाउंड इन वी कैन सी दैट मेल्स दीज आर द मेल्स एंड ये होते हैं यहां फीमेल्स फीमेल्स फीमेल क्या है होमोमार्फिक जब ये गैमेट्स बनाएंगे कॉमन सेंस ए प्लस जेड ए प्लस जीरो यहां क्या बनाएंगे ए प्लस जेड और ए प्लस जड कलियर बच्चों तो फिर आप यहां स्केर में बना सकते हैं यहां भी रैश यही आएगा और सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा फीमेल करेगी डिटरमाइन ये वाली कंडीशन किन में पाई जाते हैं दिस कंडीशन इज फाउंड इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ जीरो मिनट बेटा यहां मैं क्लियर करूंगा जड डब्ल्यू जड जड जो कंडीशन है दिस कंडीशन इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड दिज मॉथ्स ये क्या यहां होते हैं ये मेल्स होते हैं और ये फीमेल्स ये मैंने समझाया आप लोगों को अब कंडीशन है बेटा जीरो ऐसे में लिखूंगा जीरोब्ल्यू मैं लिखूंगा जाड डब्ल्यू जाड डब्ल्यू जाड डब्ल्यू नहीं सॉरी सॉरी बेटा क्लियर करूंगा यहां जाड यहां फोर्थ कंडीशन जो है बेटा फोर्थ वाली कंडीशन वो है जेड जीरो जेड जेड ये होते हैं मेल्स और ये होते हैं फीमेल्स जैसे मैंने समझाया आपको ये होते हैं फीमेल्स जब ये गैमेट्स बनाते हैं ये क्या बनाएंगे ए प्लस जेड और ये बनाएंगे ए प्लस जीरो क्लियर क्या क्या फीमेल होमोमॉर्फिक है कि हिटूर डिफरेंट कैसे गैमेट्स बनेंगे और ये यहां बनेगा ए प्लस जेड और यहां बनेगा ए प्लस जेड तो फिर आप स्क्वायर में बना सकते हैं कंडीशन वन इज टू वन रेशो आएगा और बेटा फिफ्टी परसेंट uh, होंगे और फिफ्टी परसेंट होंगे फीमेल्स मगर सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा मी तो वहां यहां सेक्स डिटरमाइन करते हैं कौन दैट इज फीमेल क्लियर दिस इज ऑल अबाउट वी कैन से दैट क्रोमोजोमल डिटरमिनेशन ऑफ वट सेक्स This is, we can say that, बेटा ये था हम जेनेटिक कंट्रोल डिटर्मिनेशन पढ़ रहे तीसरा मैंने बोला है बेटा तो एक, जार 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 तीसरा, और फिर बोला लास्ट वन जट सीरोड जैड अब सुनिए मेरी बात बेटा Another थेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वो है बेटा हैपलो डिप्लॉयड मेकनिज्मिटर्मिनेशन हैपलो डिप्लॉयड हैपलो डिप्लॉयड मैकेजम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्लो डिप्लॉयडी मैकेजम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाली कंडीशन देखी जाती है हेप्लो डिप्लॉयडी मैकेजम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन सम इंसेक्ट्स लाइक हॉनीबीज हॉनीबीज वास्प हॉनीबीज वास्प और इनमें पाई जाती है ये वाली कंडीशन हैप्लो डिप्लॉयड मेकानिजम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्लियर दिस कंडीशन इज फाउंड इन वी कैन से ऑफ़ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन हॉनी बीज वास्प्स एंड आंट्स देखो बच्चों, अगर एक मेल बनेगा आपने सुना होगा दबन अगर हसा मर्द बन फ्रॉम एग्स, यानी एग पेट बने डायरेक्टली इंडिविजुअल मेल विदाउट फर्टिलइजेशन दैट इज कॉल्ड एज एरो एरिनो ये लिख के रखो की पार्थिनोजेनसिस, पारथिनोजेनस एरिनो की पार्थिनोजेनसिस एरहीनोटोकी पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल इंडिविजुअल फ्रॉम अनफर्टिलाइज एक्स इज कॉल्ड एरहीनोटोकी पार्थिनोजेनेसिस। इस वाली कंडीशन में देखा गया है जो मेल्स होते हैं वो हैप्लोइड होते हैं मैं लिखूंगा यहां मेल जो होता है बेटा मेल्स आर हैप्लोइड जो मेल होता है बेटा वो हैप्लॉयड होता है और जो इनकी फीमेल्स होते हैं और फीमेल जो इनके होते हैं दे आर डिप्लॉयड इसीलिए इस mechanism का नाम पड़ गया डिटरमिनेशन देखो मैं एक हॉनी बी की एग्जाम्पल लूंगा बेटा हॉनी बी क्या है जो हॉनी बीस होते हैं हाई होता है माजगन उसके अंदर बेटा तीन किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं एग्जाम्पल मैं हनी भी लूंगा बेटा और जो हाइव होता है इसके अंदर तीन किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं है ड्रोन मेल। और उसका क्रोमोजोम होता है सिक्सटीन क्रोमोजोम इसके होते हैं सिक्सटीन दूसरे दूसरा इंडिविजुअल इनके अंदर होता है वर्कर्स ने तिलर चाना वर्कर्स और वो होता है बेटा फीमेल्स और इनके अंदर होता है 32 32 क्रोमोसोम्स एंड नंबर थर्ड जो होता है बेटा उनको हम बोलते हैं क्वीन और उन वो भी फीमेल ही होती है एक ही होती है हाइओमे उसके अंदर भी 32 क्रोमोसोम्स होते हैं अब ये बनते कैसे और सेक्स कैसे डिटरमाइन हो जाता है वही मैं आपको बेटा सिखाऊंगा देखो अगर मैं यहां ड्रोन की बात करूंगा मेल मैं लिखूंगा यहां ड्रोन और यहां लिखूंगा क्वीन सर आपने वर्कर क्यों नहीं लिखा वो भी एक फीमेल है क्योंकि दे आर इनफटाइल तम्चा बच्च बद कह बच अगर बनाय सो बन कुन अवैसे वन स्रोमो जोम शुरह यह फीमेल क्यों मेल फीमेल वन सॉरी तरह क्रोमो जोम वन स्रोमो जोम शुरह मेल किन फीमेल मेल जिस वक्त ये गैमेट बनाता ना ये एक एक्सेप्शन है सेल साइकिल में लिखा है क्या यहां जो मेल होता है ये अपनी गैमिटोजें जब करता है माइटोसिस से करता है माइटोसिस तो नहीं माइटोसिस वो बनाएगा स्पर्म्स और स्पर्म्स जो बनते हैं वो मिलियंस में बनते हैं और उनके अंदर भी क्रोमोजोम नंबर रहेगा सेम सिक्सटीन क्योंकि माइटोसिस का प्रोसेस है

जब ये एग्स बनाती है ना जब ये मैच्योर हो जाते हैं ये इस हाई से बाहर निकलती है और ये एयर में चली जाती है कौन क्वीन और क्वीन जब एयर में चली जाती है बेटा ये क्वीन एयर में जाने को कहते हैं हम नेपिचुअल फ्लाइट नैपिचुअल फ्लाइट फ्लाइट जब करती है यानी जब ये एयर में चली जाती है ये ड्रोन के साथ मैटिंग करते हैं ड्रोनकर मैटिंग बेटा क्वीन करती है ड्रोन भी बाहर आता है हाई से और ये दोनों आपस में मैटिंग करते हैं मगर इन एयर दैट इज दैट फ्लाइट इज कॉल्ड एज नैपचुअल फ्लाइट और फिर ये क्वीन जो होती है मानो ये मैं क्वीन बनाऊंगा यहां ये क्वीन है ए रिसीव करते है मिलियंस ऑफ सुपर्म फ्रॉम द ड्रोन इन एन ऑर्गन दैट इज कॉल्डो क्वीन ने फ्रॉम द ड्रोन और ड्रोन मर जाता है क्यों मर जाता है इसका आंसर मिलेगा आपको और अगर किसी बच्चे के पास आंसर मिला तो मुझे फोन करना तो ड्रोन मर जाता है ड्रोन पत्थर पेवन क्वीन वापस पन्नीस हाइवस में क्वीन वापस आती है और खाइय में होता है बेटा फ्रेम्स ऐसे फ्रेम होता है और उनमें होता है ऐसे फ्रेम्स होता है, ऐसे कुछ निशाने लाइक like कुछ बड़े खाने कुछ छोटे खाने लाइक like जब क्वीन इस फ्रेम के ऊपर आप घूमती है ना ये क्वीन इन छोटे वाले डब्बों में ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में कंपार्टमेंट्स में डालती है फर्टिलाइजैक्स मींस क्योंकि इसके पास है और उसके पास खुद के एग्स भी है स्पर्म लाए है रिसीव किए है फ्रॉम द ड्रोन ड्यूरिंग नेचुरल फ्लाइट ड्यूरिंग मैटिंग तो फिर ये मिलाती है एक स्पर्म को एक एग के साथ और यहां डालती है इस वाले खाने में क्या ये फर्टिलाइज्ड एग होगा कि अनफर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड एग इसके अंदर आप कितने क्रोमोसोम्स होंगे 32 और ये जब डेवलप हो जाते हैं दे डेवलप इनटू द वर्कर्स ये वर्कर इन साथ ही है पूर है ये एग हैचान पूराच कर क्योंकि क्रोमोजोम नंबर सेम इज केस है लेकिन जब यहां पहुँचती है, है यहां egg, ये एग को नहीं मिलाती है किसके साथ स्पर्म के साथ मुझे बोलो क्रोमोजोम नंबर कितना रहेगा सिक्सटीन जब ये सिक्सटीन ही रहता है ये बन जाता है ड्रोन वो ये बनो मेल गो व्हेन इट इज मेल क्रोमोजोमी इन द वी कैन से दैट हाउ यू दे आर डेवलपड इन टू द मेल्स लाइक ड्रोन्स एंड वी कैन से दैट दिस इज़ द मेकानिजम हियर जब डिप्लॉड होगा डिप्लॉयड होगा सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन मिला तो वर्कर्स बने यानी फीमेल्स बने जब हेप्लॉयड रहा तो मेल्स बने क्या नहीं बोल सकते हम इट इज़ एन हैप्लो डिप्लॉयडी मेकानिज़म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल यानी ड्रोन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग उसी को मैंने बोला था पहले बेटा दैट इज कॉल्ड एज एरिनोटोकी पार्थनोजेनेसिस उसी को क्या बोलते हैं बेटा एरिनोटोकी पार्थनोजेनेसिस दिस इज ऑल अबाउट हियर वी कैन से दैट क्या बेटा इन ड्रोन पहले मुझे बोलो इन ड्रोन्स का कोई मतलब इन जो ये ड्रोन होते है इम्न फादर नो सर क्योंकि हम मदर मदरंदि एग खाली गो दे डोंट हैव देयर फादर दीज आर ड्रोन इंडिविजुअल्स विच डोंट हैव देयर फादर क्या ड्रोन हा पुन सन बन न क्या ये साथ रलान् ड्रोन हिंदुम कमी फीमेल्स तम बनान फीमेल ये साथ नलनी तम् मेल्स मेल्ज नाइदर दे हैव देयर फादर नार हैव देयर वी कट सट इन ना मौल नड़क डप गड़क हन क्रोनजन खाली रेस्पानसिब्लान सारने खुद अमे मैटिंग की फंक्शन जो होती है ये कलेक्ट करते हैं नेक्टर क्वीन की जो फंक्शन होती है ये ले करती है एग्स तो वी कैन सी दैट डीज आर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर फाउंड इन आनी क्या यहाँ यहां डिप्लॉय मेकानिज्म इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना बेटा जब हेप्लॉड रहा तब ड्रोन्स बने जब डिप्लाइड बना तब वर्कर्स बने फीमेल्स बने वो दिस इज द एंड ऑफ दिस ऑफ सेक्स मैकानिज्मिटर्मिनेशन बेटा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैंडल डिसऑर्डर्स